19 मार्च 2024 दिन मंगलवार। जानिए आज यूपी की बड़ी खबरें। मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में अब्बास अंसारी को जमानत दे दी है। लालगंज लोकसभा से बसपा सांसद संगीता आजाद भाजपा में हुई शामिल। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन से संगीता आजाद बनी थी सांसद। बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे पूर्व विधायक विनय तिवारी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ समेत कई शहरों की 30 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त। डांगरपुर मामले में सपा के दिग्गज नेता आजम खान को 7 साल की सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर की चर्चा। बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का इलेक्ट्रोल बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट की तारीफ। चुनाव आयोग ने सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव को हटाने का किया निर्देश। सांसद डिंपल यादव का सरकार पर निशाना। बोली ईवीएम से मतदान पर लोगों में शंका।